हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कुकिंग कुकिंग चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई। ये मिठाई देखने में काफ़ी ही डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। आप चाहे इसे जिस त्यौहार पे बना के खा सकते हैं, ये सबको पसंद आएगी। ये इजली बन भी जाती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई। कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, उसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, इसको हल्का हम रोस्ट करेंगे। हमने 1 कटोरी सूजी लिया है। इसको हम हल्का रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, हमको इसका कच्चापन दूर करना है बस। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। हमने इसमें नारियल बुरादा लिया है 1 कटोरी, उसको भी ऐड कर देंगे। उसको भी इसके साथ फ्राई कर भून लेंगे। ये देखिए हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है, अब इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे। हमने सेम कढ़ाई ली है, उसमें हम 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे, उसी से 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। 1 उबाल आने तक इसको पकाएंगे हम। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। 2 इलायची हमने लिया है, मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें 1 कटोरी पानी ऐड किया था, आप भी 1 कटोरी पानी ऐड करें वरना आपकी चाशनी टाइट हो जाएगी। और आप सूजी बारीक वाली लें। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड करें और लगातार चलाते रहें वरना लम्स बनने लगेंगे। हमने इसमें बारीक वाली सूजी इसलिए ली है, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, ये हमने फूड कलर लिया है ऑरेंज कलर का, आप चाहें तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने ये 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह कंडेंस मिल्क या फिर खोया ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप लगातार चलाते रहें वरना कढ़ाई में चिपकने लगेगा। इसमें हम और 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा कम टेस्ट आएगा। और आप अगर घी ऐड करेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हमारी मिठाई बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। इसको चलाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं, इसको 1 मिनट तक हम और ऐसे ही चलाएंगे। अभी हमारा हुआ नहीं है मिक्सचर। ये देखिए 1 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अभी इसको हम प्लेट में घी लगा के निकाल लेंगे। ये देखिए हमने मिक्सचर को प्लेट में निकाल लिया है, इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे वरना हमारे बॉल्स नहीं बनेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, हमने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं किया है। हम इसमें छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए हमने बॉल्स बना लिया है। अब हमने एक लौंग लिया है, इसको बीच में प्रेस करेंगे लौंग से। और ये हमने पुदीने की पत्ती ली है, आप चाहें तो तुलसी की भी पत्ती ले सकते हैं। और इसको हम ऐसे लगा देंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार है, इसी तरह सभी को हम बना लेंगे। ये देखिए हमने दूसरे बॉल्स को भी बना लिया है, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें भी लौंग को प्रेस करेंगे और पत्ती लगाएंगे। इस तरह हम लगा लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा भी तैयार हो गया। ये देखिए हमारी रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बनके रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। जितने देखने में यम्मी ये लग रही है उतनी खाने में टेस्टी है। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है, ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।